मार्च आज है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाने की शुरुआत अगर हम देखें तो कब की गई थी और इसके पीछे का इतिहास क्या है और ये क्यों मनाया जाता है, क्यों हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं 18 मार्च के दिन, इसी के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो बिगनिंग फॉर वीकुंज में आपका स्वागत है। हर साल हम 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाते हैं हर साल, ठीक है ना। इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए कि 18 मार्च को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन दैट मीन्स कि 18 मार्च के दिन ही 1802 में 1802 में फाउंडेशन रखी गई थी, नींव रखी गई थी किसकी, सबसे पहली जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी ना उसकी। कहाँ पर रखी गई थी? कोसीपोर, कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है ना। इसका अगर मैं बात करूँ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसका जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हाथ में। दैट मीन्स कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है ना वो किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है और चीज़ें प्रोड्यूस करता है, क्लियर। इसको इस ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह है इनको, इनका जो निर्माण है या फिर इनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर हो गया था और ब्रिटिशर्स के द्वारा ये सब इसकी शुरुआत कर दी गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना था कि ये सारी चीज़ें होंगी तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे और यहीं पर रहकर चीज़ें प्रिपेयर हो पाएंगी। इसी चीज़ को देखते हुए 1775 में सबसे पहले उन्होंने एक बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस एस्टैब्लिश किया था, कहाँ पे? फोर्ट विलियम कोलकाता में, ठीक है। और इसके बाद 1787 में उन्होंने सबसे पहली गन पाउडर फैक्ट्री भी लगाई थी ईसापुर में, ठीक है ना। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे है इस दिन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर पहले परेड्स वगैरह लगाई जाती है, निकाली जाती है, नेशनल एंथम प्ले किया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है, फिर राइफल्स, गन्स, जो आर्टिलरी और एम्यूटेशंस वगैरह है उन सबको डिस्प्ले किया जाता है, उन सबकी प्रदर्शनी दिखाई जाती है। अगर मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करूं तो हमारे कंट्री की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 37th लार्जेस्ट है, ये जो डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस करती है इन द वर्ल्ड, 37th, ठीक है। और एशिया की बात करूं तो एशिया में दूसरे नंबर पर आती है इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो क्या करती है? डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, और इंडिया में ये सबसे पहले नंबर पर आती है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसको हमारी आर्म्ड फोर्सेज की चौथी आंख भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? जो बाकी की जो हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेज हैं लाइक इंडियन नेवी, आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, उन सबको जो इक्विपमेंट्स वगैरह है, जो प्रोडक्ट्स वगैरह है, वो सप्लाई करने का काम करते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक और सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि हमारे कंट्री की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये 30 से भी ज़्यादा देशों में हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं दैट मीन्स की जो आर्म्स हैं, एम्यूटेशंस हैं, वेपन्स हैं, स्पेयर्स हैं, केमिकल एक्सप्लोजिव है, पैराशूट्स हैं, लेदर है, क्लोथिंग है, मतलब ये सारी जो आइटम्स हैं वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंडियन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो सब एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंडियन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? अयुद्ध भवन कोलकाता, वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। इस टाइम पर अगर मैं इसके डायरेक्टर जनरल चेयरमैन की बात करूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, जिसकी की शुरुआत हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने करवाई है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? C.S. विश्वकर्मा इनके डायरेक्टर जनरल इस टाइम पे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पीरियड पे 1947 में इंडिया में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का जो नंबर था वो अराउंड 17-18 था, लेकिन आज के टाइम पीरियड पे 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुकी है, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स हैं और 5 रीजनल कंट्रोल्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो अचीवमेंट है हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस हासिल किए। बट एक और बहुत बड़ा चेंज किया गया हमारी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने क्या चेंज किया कि जो 47 जो फैक्ट्रीज है ना इनको स्प्लिट कर 7 PSUs बनाए गए हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है। वो 7 PSUs कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, आपके सामने मैंने फ्लो चार्ट में मेंशन किया है। म्यूटेशन इंडिया लिमिटेड MIL, ठीक है ना, अरमाउंड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड TCL, इसके अलावा यंत्रो इंडिया लिमिटेड YIL, ग्लीडर्स इंडिया लिमिटेड GIL, GIL और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL, एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्या है, 7 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आज हमने ऑर्डिनेंस जो हमारा फैक्ट्री डे है उसके उपलक्ष्य पर जानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।